देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ आपके साथ, मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का। ये बड़ी खबर या यूं कहें खुशखबरी हमारे देश के लिए, कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है, तो भारत की झोली में एक और पदक आता हुआ। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो मैच भी अभी जारी है और इसमें हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, इनसे पदक की उम्मीद की जा रही है। लगातार मैच में वो आगे चल रहे हैं, तो जेवलिन थ्रो का मैच अभी भी जारी है और पंकज चोपड़ा से उम्मीदें पदक की लगातार बनी हुई हैं क्योंकि मैच में वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो टोक्यो ओलंपिक को लेकर खुशखबरी यहां पर भारत के लिए सामने आ रही है। कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया, हालांकि गोल्ड से वो चूक गए लेकिन कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। तो वही जेवलिन थ्रो का मैच अभी भी जारी है और भारत की तरफ से हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, पदक की उम्मीद उनसे लगातार बनी हुई है क्योंकि मैच अभी भी जारी है। और मैच में बड़ी खबर सामने आ रही है कि बढ़त नीरज चोपड़ा ने बनाई हुई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जेवलिन थ्रो का मेडल लगभग पक्का समझा जा रहा है। लेकिन बात अगर कुश्ती की करें तो यहां पर बजरंग पुनिया ने एक और कांस्य पदक भारत की झोली में डाल दिया है, तो एक के बाद एक पदक यहां पर हमारे देश के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक से लेकर हमारे देश के लिए लौट रहे हैं। ऐसे में 8 अगस्त आखिरी तारीख है ओलंपिक खेलों के खत्म होने की, उससे पहले ये बड़ी खुशखबरी हमारे देश के लिए, जहां पर कुश्ती में तो एक पदक हमने जीत लिया लेकिन जेवलिन थ्रो से भी अब पदक की उम्मीद है। नीरज चोपड़ा का मैच अभी भी जारी है और मैच में लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, उनसे पदक की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद यही है कि गोल्ड लेकर वो घर वापस लौटे, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन वो कर रहे हैं उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा मैच हुआ खेलेंगे और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस वो अपनी देंगे। लगातार भारत के खिलाड़ियों ने ओलंपिक के खेलों में देश का नाम रोशन किया है, अब जब आखिरी के कुछ मैचेस बचे हुए हैं तो ऐसे में भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सहयोगी आयुष सूर्यवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आयुष, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर से देखते हैं क्योंकि कुछ ही मैचेस बचे हैं, आखिरी दिन कल का होने वाला है, ऐसे में बड़ी खुशखबरी टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल रंजना, देखिए एक तरफ बजरंग का मेडल पक्का हो गया, बजरंग को ब्रॉन्ज मिला है, हालांकि उम्मीद बजरंग से गोल्ड से की जा रही थी, लेकिन एक बहुत ही ऐतिहासिक मुकाम भारत को मिलने वाला है। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का फाइनल मैच चल रहा है और अब तक सबसे खुशी वाली बात यह है कि नीरज चोपड़ा देश के लिए लीड कर रहे हैं, 87.58 मीटर उन्होंने जो सेकंड थ्रो किया है वो अभी भी बेस्ट है। पहले अटेम्प्ट में भी उन्होंने 87 मीटर का थ्रो किया था, सेकंड में भी 87.58 किया, इससे अभी दूर हैं, काफी प्लेयर्स दूर हैं। हालांकि जो थर्ड अटेम्प्ट था उनका उतना बेहतर नहीं रहा, पर अभी भी नीरज चोपड़ा सबसे आगे चल रहे हैं। तो उम्मीद जो की जा रही है कि गोल्ड मेडल का जो सूखा दो ओलंपिक से था वो गोल्ड का सूखा खत्म होगा, और कहते हैं ना कि फेंक जहां तक भाला जाए तू भी है राणा का वंशज, तो राणा के वंशज के तौर पर नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका है वो ऐसा लग रहा है कि सीधे जाकर गोल्ड पे ही लगेगा। हालांकि अभी मैच चल रहा है, जेवलिन थ्रो का फाइनल अटेम्प्ट जारी है, तीसरे अटेम्प्ट के लिए लगातार प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं और एक पाकिस्तान के भी प्लेयर है नदीम, उस तरह से भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, द्विपक्षीय हो तो और ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, लेकिन इस बार काफी कोसों दूर है नदीम भी और नीरज चोपड़ा लीड करते हुए दिख रहे हैं और उम्मीद गोल्ड से है। याद करिए रंजना, अब तक के जितने भी गोल्ड्स आए हैं वो हॉकी में है, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया था, उसके बाद बीजिंग ओलंपिक के बाद रियो ओलंपिक लंदन ओलंपिक्स में भारत को कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला था, लेकिन इस बार लग रहा है कि वो सोना, जो सोने की उम्मीद थी, जो सोना शुभ माना जाता है, वो सोना ओलंपिक से लेकर नीरज चोपड़ा ही लौटेंगे। मैच चल रहा है, पूरा देश थम कर देख रहा है। दूसरी तरफ बजरंग पुनिया से भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, उनको शुभकामनाएं दी हैं और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं इस मैच में टोक्यो ओलंपिक जेवलिन थ्रो मैच में फिलहाल तीसरा अटेम्प्ट अपना करते हुए, लेकिन नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है 87.58 मीटर का, इससे सभी खिलाड़ी अभी दूर हैं और उम्मीद पूरी गोल्ड की जा रही है रंजना। बिल्कुल आयुष, आप न्यूज रूम में भी आपने नजारा देखा होगा, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि खुशी का माहौल बना हुआ, न सिर्फ न्यूज रूम हमारे बल्कि देश भर से खुशी के माहौल की तस्वीरें सामने आ रही है। किस तरीके से आप देखते हैं कि ऐसा खेल जेवलिन थ्रो की मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा खेल जिसको बहुत ज्यादा लोग हमारे देश में जानते नहीं है और नीरज चोपड़ा ने जो शुरुआत यहां से की है और आज ये पदक जीत जाते हैं, तो तस्वीर देश में बदलेगी ऐसे खेलों की जो बहुत छोटे खेलों के रूप में जाने जाते हैं? बिल्कुल, नो डाउट रंजना, आपने बिल्कुल सही कहा। और अदिति अशोक को भी हम भूलना नहीं चाहेंगे, अदिति अशोक भले ही मेडल लेकर नहीं आई है लेकिन गोल्फ में एक लड़की, युवा लड़की, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, टॉप फोर में रही, ये भी एक अच्छा मुकाम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रोअर हैं उन्होंने भी अपना अटेम्प्ट पूरा कर लिया है इस बार का, वो भी अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। नीरज चोपड़ा सबसे आगे हैं, पूरा देश थमकर देख रहा है कि सोना आ जाए, बस एक सोना जिसकी कसक रह जा रही है हर बार के ओलंपिक में, वो उम्मीद पूरी होनी चाहिए। और इस तरह के जो अलग अलग मेडल्स आ रहे हैं, आमतौर पर भारत को
पहलवानी में मेडल मिला करते थे, कुश्ती में मेडल मिला करते थे, रेसलिंग में, लेकिन इस बार अलग अलग स्पोर्ट्स में जो कोशिश की जा रही है उसमें कामयाबी अगर मिलती है तो ऐसे खेलों को बढ़ावा भी मिलेगा। और भाला तो हमारे संस्कृति से जुड़ा रहा है, हमारा खुद का हमारे जो महापुरुष रहे उनसे जुड़ा रहा है, तो इस खेल को अगर बढ़ावा मिलता है, और बढ़ावा मिलना भी चाहिए, नीरज चोपड़ा ने जो कोशिश की है, मुकम्मल कोशिश अब तक जो दिख रही है, सबसे आगे जो चल रहे हैं, उसके बाद ऐसे खेलों को बढ़ावा मिले, ऐसे खेलों के रुझान पर लोगों को तरजीह दी जाए, लोगों को सराहना की जाए, और तभी ऐसा मुमकिन है कि जो मेडल्स की श्रेणी, जो मेडल्स का नंबर है एक डिजिट में है, वो दो डिजिट तक जाए, आगे ओलंपिक्स में हम देखना चाहेंगे। और ये तभी हो पाएगा जब पूरा देश ओलंपिक्स के साथ साथ, जब बिना गेम्स के भी लोग अपने खिलाड़ियों की सराहना करेंगे, बिना गेम्स के भी लोग अपने खिलाड़ियों को तरजीह तवज्जो देंगे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। और फिलहाल सबसे जो उम्मीदें हैं नीरज चोपड़ा से हैं गोल्ड की, और उन उम्मीदों पर अब तक पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं नीरज। बिल्कुल आयुष, हमारा देश में क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लाखों करोड़ों फैंस हैं, जो की बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओलंपिक के जरिए कुछ ऐसे खेल भी यहाँ पर लाइमलाइट में आए जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, और ऐसे ही खेलों से हम पदक भी लेकर आए हैं, तो तस्वीर बदलती हुई हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन हो, अदिति का आपने जिक्र किया, और अब नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के जरिए पदक के बेहद करीब है। क्या लगता है टोक्यो ओलंपिक न सिर्फ पदक के लिहाज से देश की तस्वीर को बदलेगा, बल्कि हमारे देश में खेलों की तस्वीर भी यहाँ से बदलती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, शायद वो बदलाव अब शुरू हो चुका है, जैसे हमने कहा कि हॉकी का स्वर्णिम युग क्या एक बार फिर से वापस आ रहा है। एक तरफ इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का पहला वनडे, पहला टेस्ट चल रहा है, माफ कीजिए, पहला टेस्ट जारी है, लेकिन देश इस समय अपने जेवलिन थ्रोअर, अपने देश के बेटे नीरज चोपड़ा का मैच ठहर कर देख रहा है। लोगों की उम्मीदें यहाँ पर हैं, लोगों की सांसें थमी हुई हैं कि कब ये गोल्ड का जो पदक है वो पक्का हो जाए, तो वो शायद बदलाव का वक्त आ गया है, लेकिन ये बदलाव ओलंपिक्स के बाद भी जारी रहे ये कोशिश करनी होगी। और नीरज चोपड़ा का जो अब तक का बेस्ट है 87.58 मीटर का, आपका अब तक इसको कोई छू भी नहीं पाया, कहा जाए 86 मीटर तक भी कोई नहीं पहुंचा है, तो एक लंबी बढ़त के साथ नीरज लीड कर रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं, ये एक बेहतर पहलू है, और उम्मीद है कि इससे जो देश में क्रिकेट एक धर्म जैसा बन चुका है वो मिथक भी टूटेगा, और बाकी खेलों को भी उतनी ही तरजीह दी जाएगी, जितना प्यार हम क्रिकेटर्स पे लुटाते हैं उतना बाकी स्पोर्ट्समैन को भी हम देंगे, और तभी ओलंपिक्स में जो मेडल की संख्या वो बढ़ पाएगी, और सोना भी हमारा चमकेगा, हमारे देश के जो बेटे हैं बेटियां वो चमकेंगी। बिल्कुल आयुष, खेल के लिए एक स्वर्णिम युग यहाँ से शुरुआत उसकी होने वाली, उसको लेकर तो तस्वीर साफ होगी, लेकिन एक और तस्वीर हमारे सामने साफ हुई है कि जो तमाम बड़े हमारे खिलाड़ी हैं टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद मेडल जीत कर नहीं आ पाए हैं, मैरी कॉम भी उसमें है और कई ऐसे खिलाड़ियों का नाम उसमें शामिल है, किस तरीके से आपको देखते हैं? एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश के लिए होने वाला है कि खेलों को जिस स्तर पर इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए थी, वजह कुछ भी हो, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी हमारे खिलाड़ी नहीं कर पाए, तो उस लूप होल को भी यहाँ पर सॉर्ट आउट करने का एक बड़ा मौका यहाँ पर उस तस्वीर को भी साफ कर रहा है टोक्यो ओलंपिक। नीरज को लेकर भी उम्मीदें, हालांकि कई और प्लेयर से भी उम्मीदें थी, अदिति अशोक को लेकर भी उम्मीदें जाहिर की जा रही थी कि वो शायद पहली ऐसी गोल्फर होंगी जो इंडिया खेलों ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगी, ठीक है नंबर 4 पर वह रही। विनेश फोगाट से भी उम्मीदें की जा रही थी, विनेश फोगाट को विनेशा से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद बिना मेडल के वो वापस आ गई, वो भी एक थोड़ा सा दुख वाला पहलू था, लेकिन शायद स्पोर्ट्स में हम इस बात को लेकर तैयार रहना होगा कि कभी कभी जीत हार ये मैच का पहलू है, स्पोर्ट्स का पहलू है, कभी कभी जीत मिलती है, कभी कभी हार, और प्रदर्शन पर निर्भर जरूर करता है, लेकिन कई बार और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कोविड काल में जिस तरह से मेंटल फटीग का सामना हम सभी को करना पड़ा, उस दौर से भी हमारे स्पोर्ट्समैन गुजरे हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी तो बिल्कुल काबिले तारीफ है, और एक मेडल लगभग पक्का माना जा रहा है, नीरज चोपड़ा सबसे आगे चल रहे हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं कि नीरज गोल्ड लेकर लौटेंगे, उनके घर पर भी जश्न की तैयारी है, घर पर भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं उनके घर पर, और पानीपत में उनके घर पर भी आसपास के लोग पहुंचे हैं, वो लगातार अब जश्न बनना शुरू हो चुका, अगर ऐसा कहा जाए कि तैयारी पूरी है, बस इंतजार है कि जैसे ही फाइनल हो जाए कि उनको गोल्ड मिल गया है, उस जश्न को मुकम्मल किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आगे भी ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में इसी तरह से खिलाड़ियों की सराहना करनी होगी ताकि हम अपने देश के नौजवानों को आगे खेलता हुआ देख सकें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन तमाम पॉइंटर्स पर भी काम किया जाए और जश्न का माहौल क्यों ना हो, हमारे देश के बेटे और बेटियां बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आयुष सूर्यवंशी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अपडेट्स हम ओलंपिक को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो में सबसे आगे चल रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी जा रही है और लगातार मेडल की उम्मीद उनसे की जा रही है। और कुश्ती की अगर बात करें तो एक और मेडल हमारी झोली में आ चुका है, कांस्य पदक दिलाया हमें बजरंग पुनिया ने, हालांकि सोने की उम्मीद उनसे जरूर थी, लेकिन जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया, बेहतरीन खेल उन्होंने दिखाया और कांस्य पदक भारत की झोली में डाला है। तो इस बार का टोक्यो ओलंपिक कई मायनों में खास रहा, कई बदलाव हमने देखे और उम्मीद है कि ये बदलाव खेलों के लिहाज से हमारे देश में आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे।